और काह ना अबला कर सके, कहने को अबला है पर क्या नहीं कर सकती वो, नाम उसे कहते हैं अबला, लेकिन वो अबला क्या नहीं कर सकती, जिस घर का चाहे विकास कर दे और जिस घर का चाहे विनाश कर दे, दोनों ही पावर अबला के हाथ में है। पुरुष उतना सक्षम नहीं है जितनी सक्षम माताएं हैं, और किसी जग काल न खाए, इस संसार में ऐसा कौन है जिसे काल नहीं खाता। तो कान अबला कर सके, आज हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि स्त्री क्या नहीं कर सकती। आप याद कीजिए, मां सती अनुसुईया जी का नाम किसने नहीं सुना, तीनों देवताओं को ऋषि पत्नी ने अपना बालक बना दिया। एक सृष्टि रचयिता, पालन करता, संहार करता, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन तीनों को शिशु बना दिया। किस कारण, बोले अपने पतिव्रत धर्म के कारण। कई लोग अमावस्या वाले दिन, जो 10 तारीख को अमावस्या आ रही है, और कई लोग पूर्णिमा पे भी रखते हैं, लेकिन मोस्टली अमावस्या वाले दिन रखते हैं, बट की पूजा करती हैं सुहागिने। तो मैं चाहूंगा कि थोड़े से उन नियमों को आप समझें। अगर माताएं बहन इन नियमों के साथ में अपने गृहस्थ का संचार करें, काल की भी सामर्थ्य नहीं कि बेसमय आकर आपको डिस्टर्ब कर सके। मैं दो उदाहरण यहां पर आपको दूंगा, दो कहानियां आज सुनाने जा रहा हूं। ये दोनों सुनेंगे तो आपका हृदय संतुष्ट और संतुलित रहेगा। जो माताएं बहन चाहती हैं कि हमारा स्वाग अमर रहे, अमर मीन्स दीर्घ आयु रहे, अमर आजकल वो अमृत वाले अमर तो हो नहीं सकते ना, वो तो देवताओं को भी सौभाग्य नहीं है प्राप्त, वो दीर्घकालीन, वो इंद्र भी बदलते रहते, देवता भी बदलते रहते हैं। तो जो माताएं बहन चाहती हैं कि उनका सुहाग दीर्घकालीन उनका साथ दे, जन्म जन्म तक उनका साथ दे, उन माता बहनों को ये वट सावित्री व्रत अवश्य रखना चाहिए। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन माताएं इस व्रत को करती हैं। और इस व्रत से मैं एक विशेष बात ये कहूंगा, थोड़ी सी भी मर्यादा का पालन अगर आप कर लेंगे तो आपको बहुत बड़ा फल इसमें मिलेगा, बहुत बड़ा। वो इस कहानी के माध्यम से आप सुनिए। एक राजा थे और उस राजा के संतान नहीं थी, अश्वपति उस राजा का नाम था। जब संतान नहीं थी तो उन्होंने वो उनका हृदय दुखी था, तो दो ब्राह्मणों को, विद्वानों को बुलाया कि बोले महाराज हमारे घर में संतान नहीं है, हम क्या करें। तो ब्राह्मणों ने उनकी जन्म कुंडली देखी, उनकी पत्नी की देखी, स्थिति को समझा, तो उन्होंने कहा राजन आप चिंता मत करिए, आपके घर में एक पुत्री होगी, आप घबराइए नहीं, आपको संतान की प्राप्ति होगी, आपके घर में पुत्री होगी, ऐसा ब्राह्मण विद्वानों ने उनसे कहा। समय व्यतीत हुआ और वो सुंदर समय भी आया जब उनके घर में एक पुत्री हुई, बड़ी सुंदर बड़ी सुशील थी। ब्राह्मणों ने उस पुत्री की जन्म कुंडली बनाई और बनाने के बाद में देखा, देखने के बाद बताया कि पुत्री तो बड़ी सुंदर है पर राजन एक समस्या है। बोले क्या समस्या है, शादी के एक वर्ष बाद ही ये इसका पति इसे छोड़कर चला जाएगा, इसके पति के प्राण निकल जाएंगे, ये विधवा हो जाएगी। एक तरफ तो पुत्री होने का सुख था, दूसरी तरफ ब्राह्मणों ने यह भी बता दिया तो वो दुख होने लगा। धीरे धीरे वो समय व्यतीत हुआ और जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वो सुंदर समय भी आया जब वो नेत्रत बड़ी होने लगी, बड़ी सुंदर थी, उसका नाम सावित्री रखा गया। जैसे चंद्रमा दिनों दिन अपनी कलाओं में
बढ़ता चला जाता है, वैसे ही वो कन्या भी प्रतिदिन बढ़ती चली गई। अब राजा को ये चिंता होने लगी कि इसके योग्य वर कहाँ मिले। जिसके जवान बेटी होती है उसे एक चिंता रहती है कि मेरी बेटी को सुख देने वाला पति कहाँ मिलेगा। ये चिंता स्वाभाविक है। तो राजा को ये चिंता थी कि मेरी बेटी का योग्य वर कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो उसने एक दिन सावित्री को ही बुलाया और सावित्री से कहा, सावित्री एक काम करो, तुम अपने योग्य वर ढूंढने के लिए स्वयं जाओ, जहां भी तुम्हें जिस तुम्हारे योग्य वर मिले तुम हमें बता देना, विवाह हो जाएगा। तो कुछ मंत्रियों के साथ में वो सावित्री वर की तलाश में गईं, वर को ढूंढने के लिए गईं। और जब वर ढूंढने के लिए वो गईं, बड़े बड़े लोग दिखाई पड़े राजघराने के, ऋषि संत महात्मा इत्यादि बहुत, परंतु सत्यवान वन में थे उस समय, लकड़ी सर पे उठा के ला रहे थे। सत्यवान को आता हुआ देखा, राजकुमारी ने निश्चय किया और वापस आ गए। जिस समय वो अपने महल में वापस आई उस समय देवर्षि नारद भी वहां पर विराजमान थे। देवर्षि नारद को आदर पूर्वक प्रणाम किया सावित्री ने, पिता को भी आदर पूर्वक प्रणाम किया। राजा ने पूछा, पुत्री तुम्हें तुम्हारे योग्य कोई वर मिला क्या? कहा मिला। कौन? बोले सत्यवान है, वो मिले। जैसे ही सत्यवान का नाम सुना देवर्षि नारद थोड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, अरे बेटी ये तुमने क्या कर दिया, ये तो तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया एक तरीके से। बोले क्यों, क्या हो गया, आप ऐसे परेशान क्यों हो गए देवर्षि? बोले बेटी तुम जानती नहीं हो, जिस सत्यवान का नाम तुम ले रही हो उसके पिता, वो भी राजा थे लेकिन शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया और वो वन में वानप्रस्थ का आश्रम जी रहे, ग्रस्त वानप्रस्थ सा जीवन जी रहे हैं और अपने पुत्र अपनी पत्नी के साथ वन में ही रहते हैं, तो उनका राज्य तो छीन चुका है। और ये भी कोई बात नहीं है, इससे भी बड़ी बात तो यह है कि अब यहां से आगे उसका जीवन ही मात्र एक वर्ष का बचा है। और यह स्पष्ट कर दिया था, यह स्पष्ट कर दिया था देवर्षि नारद ने कि अब यहां से आगे जो उसका जीवन है वो एक वर्ष का है। बावजूद इसका राजा ने सुना, राजा भी बात तो पहले ही सुनी थी कि विवाह के एक वर्ष बाद ही, फिर भी राजा ने कहा कि बेटी तुम कोई और ढूंढ लो। तो सावित्री ने कहा कि मैं भारतीय कन्या हूं और भारतीय कन्याएं अपने जीवन में एक पति को ही स्वीकार करते हैं, और जिसे मेरा मन स्वीकार कर चुका है, अब इसलिए तो नहीं छोड़ सकती कि उसकी आयु सिर्फ एक वर्ष है, दृढ़ निश्चय है कि मैं उन्हीं के साथ विवाह करूंगी। पिता ने अपनी बेटी की भावना का आदर किया और अपनी बेटी का विवाह सत्यवान के साथ कराया। बड़े सुंदर तरीके से दोनों को विदा किया और दोनों राजकुमारियों के वन में रहने चली गई। पिता चाहते तो महल बनवा देते, पिता चाहते तो क्या नहीं, इकलौती बेटी के लिए क्या नहीं कर सकता, वो भी एक राजा। लेकिन बेटी ने कहा, जो मेरे पति जिस स्थिति में है मैं उनके साथ वैसे रहूंगी। इसको कहते धर्मपरायण स्त्री। कान अबला कर सके, अबला क्या नहीं कर सकती, सुनिएगा इस कथा में। भारतीय संस्कृति को ऊंचाई पर ले जाने वाली ये कथा है, जहां बड़े बड़े देवता भी ऐसी देवी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। वो जानती थी उनका पति लकड़ी काट के लाता है, बेचता है, उससे जीवन चलता है।
धीरे धीरे वो समय गया, एक बरस निकलने में समय भी नहीं लगा, लेकिन जब वो बरस पूर्ण होने वाला था तो सावित्री ने क्या किया, चार दिन पहले से ही उस सावित्री ने व्रत करना प्रारंभ किया, पूजा करना प्रारंभ किया। और पूजा प्रारंभ की, संयम रखा, नियम का पालन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया और अपने आराध्य को मनाने में लगी रही। उस दिन उसके पति कहने लगे कि मैं लकड़ी लेने जा रहा हूं, तो सावित्री बोली मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे बोले तुम क्या करोगी, तुम राजकुमारी हो, यहीं रहो। बोले नहीं, मैं आपकी दासी हूं, मैं आपके साथ चलूंगी। अरे तुम करोगी क्या, बोले मुझे चलना है आपके साथ, आज तो चलना है। पति बार बार मना कर रहे थे, सास ससुर की आज्ञा लेकर अपने पति के साथ सावित्री गई। पति वृक्ष पर चढ़े, लकड़ी काटने लगे, अचानक से उनके सर को कुछ प्रॉब्लम होने लगी, दर्द होने लगा। वो नीचे उतर के आए, अपने बड़ के वृक्ष के नीचे ही, वो इसीलिए इसको कहते हैं बट सावित्री व्रत। इस दिन सुहागिन देवियां बट वृक्ष की भी पूजा करती हैं, ये मैं बताऊंगा आपको बाद में, थोड़े दो मिनट में ही समझा दूंगा बाद में। तो वो पति उतरे, अपनी पत्नी की जंघा पर गोद में सर रखकर सोने लगे, कहने लगे मेरे सर में कुछ हो रहा है। सावित्री को समझते देर नहीं लगी कि अब इनका समय नजदीक आ गया। वो अपने आराध्य से प्रार्थना करने लगी, ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, ईश्वर को मनाने लगी। और जब वो ईश्वर को मनाने लगी, अचानक से उन्हें दिखाई पड़ा कि यमराज अपने दूतों के साथ लाल वस्त्र धारण किए, बड़ा विकराल स्वरूप उनका था, भैंसे पे सवार थे, हाथ में काल फास था, आए और वो सत्यवान के प्राणों को निकालने लगे। तो सावित्री ने उनको प्रणाम किया और पूछा आप कौन हैं, बोले मैं यमराज हूं। तो सावित्री ने प्रश्न किया, मैंने तो सुना था कि आपके दूत आते हैं प्राण लेने के लिए, आप कैसे आए। तो उन्होंने कहा देवी तुम जानती नहीं हो, तुम्हारा पति बड़ा धर्मात्मा है, इसे लेने के लिए मैंने अपने दूतों को नहीं, मैं स्वयं चल के आया, तुम्हारा पति बड़ा धर्मात्मा, अब तुम इसे छोड़ो, अब इसे मैं लेके जाऊंगा, ऐसा कहा। तो सावित्री बोली आप जो चाहे कहें, आप चाहे इन्हें जान ले जाएं, लेकिन मुझे भी इनके साथ चलना। यमराज ने उनके प्राण निकाल लिए और चलने लगे, यमराज के पीछे पीछे सावित्री चलने लगी। यमराज ने कहा देवी इस संसार का एक ही सत्य है, वो है मृत्यु, और मृत्यु में कोई भी जीव साथ नहीं दे सकता। पत्नी सिर्फ पृथ्वी पर जीवित जब तक है तभी तक साथ दे सकती है, इस जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो पत्नी भी साथ नहीं दे सकती, इसलिए तुम यहां से वापस चली जाओ। सावित्री कहती है महाराज मेरे पति जहां रहेंगे वहीं मैं रहूंगी, आप मेरे पति को ले चल रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। अपने पति के प्रति निष्ठा को देखकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए, सावित्री की इस निष्ठा को देखा, उन्होंने कहा कि तुम हमसे कोई वरदान मांग लो, हम तुम्हें तुम्हारे मुताबिक वरदान दे देंगे। तो उनके सास ससुर के नेत्र नहीं थे, उन्होंने कहा मेरे सास ससुर को नेत्र प्राप्त हो जाए, बोले मस्त ऐसा ही हो। फिर यमराज चलने लगे, सावित्री फिर पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा हमने तुम्हारे मनवांछित वरदान दे दिया, अब क्या चाहिए, अब क्यों चल रही हो, अब तो जाओ, अब तो इसके प्राण ले जाने दो। बोले नहीं मैं तो आप ही के साथ चलूंगी। बोले एक और कोई वरदान मांग लो। बोले ठीक है हमें एक वरदान दे दो कि हमारे ससुर का राज्य उनको वापस मिल जाए। बोले ये मस्त। फिर यमराज चलने लगे, फिर सावित्री पीछे चलने लगी। अरे बोले अब थोड़ा झुंझुलाहट हो गई यमराज को, थोड़ा क्रोध में आ गए, कमाल करती हो, हमने दो दो वरदान तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार दिए हैं, बावजूद इसके तुम वापस नहीं जाती हो, जबकि तुम जानती हो कि इनके साथ कोई नहीं जा सकता, एक और वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि हम इनके 100 पुत्रों की मां बने,
हम हमारे पति के 100 पुत्रों की माँ बने, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। उन्होंने कहा एव मस्त, क्रोध में तो जल्दी से निकल ही जाता है, ऐसा होता है ना पिंड छूटे, तो यमराज भी सोच रहे थे इससे पिंड छूटे तो मैं अपना कार्य करूं, तो पिंड छुड़ाने के चक्कर में कह दिया एव मस्त। और जब एव मस्त कहा तो वो फिर प्राण लेके चलने लगे, और जब प्राण लेके जाने लगे तो सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। अब भयंकर क्रोध आ गया यमराज, बोले कमाल करती हो, तीन तीन वरदान हमने तुमको दे दिए और तुम फिर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हो, तुम क्या यमपुरी तक हमारे साथ जाओगी, क्या हो गया, लौटो वापस जाओ। बोले महाराज मैं तो आप ही को सत्य प्रमाणित करने के लिए आपका साथ अब चल रही हूं। बोले क्यों? बोले अभी आपने वरदान मुझे दिया, मैंने आपसे वरदान मांगा कि मैं इनके 100 पुत्रों की मां बनूं, तो जब इनको आप ले जाएंगे तो मैं किसके बच्चों की मां बनूंगी, इनका जीवित होना तो आवश्यक है ना। यमराज बड़े प्रसन्न हुए, धर्मराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले धन्य है सावित्री तुम्हारी पतिव्रत धर्म के लिए धन्य है, मैं हार गया तुमसे, लो मैं तुम्हारे पति को पुनः जीवित करता हूं। सावित्री उसी वट के नीचे आई, और एक जगह पर ऐसा भी सुना मैंने कि यमराज ने कुछ चना टाइप का दिया, उसकी आत्मा को लौटाया, वो उसने चना हुआ ये सब सत्यवान के पास ला के लौट रखा तो उसको जीवित हो गया। इसीलिए पतिव्रत धर्म का बड़ा आदर माना जाता है, बड़ा सम्मान किया जाता है हमारे भारतीय परंपराओं में। नियम क्या है, अगर संभव हो सके तो 4 दिन व्रत करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, झूठ क्रोध काम क्रोध ईर्ष्या इन सब का त्याग अगर स्वागन कर ये कर सके तो 4 दिन, नहीं तो 1 दिन पर्टिकुलर उस अमावस्या के दिन 10 तारीख को 10 जून को त्याग करें। स्वागिन माताएं लाल वस्त्र पहने, अब आजकल डिजाइनेबल में भी फैशनेबल थोड़ा मिक्सिंग कर लेते हैं, लाल कपड़े पहनेंगे तो ब्लैक या कुछ और डिजाइन, ब्लैक एंड ब्लू और ग्रीन ये नहीं होना चाहिए, ये मत पहनो। उस दिन पूरा ही रेड हो, पूरा रेड वस्त्र हो, सुहाग के सारे चिन्ह हो, मांग भरी हो, बिंदी लगी हो, चूड़ी पहनी हो, बिछुए पहने हो, मंगल सूत्र पहना हो, हाथ में हरी चूड़ियां हो, और तब जाकर बट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। अगर बट वृक्ष न ला सको वहां ना, बट वृक्ष ना हो तो वहां से कोई वो जो डाली वगैरह होती है वो ले आए और उसकी पूजा वहां करें, और चने अवश्य उस पर थोड़े से चढ़ाएं, ऐसा कहा गया मान्यता है कि चने चढ़ाने चाहिए, और जो भी स्वाग की चीजें जो आप सामग्री लाती हैं उससे पूजा करें। अगर आप इस निष्ठा के साथ इस व्रत को करती हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं, आपके पति की आयु दीर्घ होती है, इवन बच्चों के लिए भी अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके बच्चों को भी सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो इस व्रत को थोड़ा नियम से, थोड़ा संयम से और थोड़ी प्रसन्नता के लिए रखें, जिससे आप सब परिवार में सुखी रहें, आनंद में रहें। और ये वाला व्रत तो जरूरी रख लेना क्योंकि कोरोना काल है, राधे राधे बोलना पड़ेगा।